बाप रे बाप, फिर देखो गाइस जाके बताता कैसा लगा फिल्म। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हरबड़ी में हूँ, बोलो कहाँ जा रहा हूँ यार। एनिमल मूवी देखने जा रहा है मैं, एंड बहुत लेट हो गया, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है। एक्चुअली मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो करने के लिए, बहुत लेट हो गया। एंड 4 बजे का शो है, हम अभी 3 बजे तक इधर ही। बाप रे बाप, 3:30 हो चुका है। एक्चुअली विश्वास नहीं, रुको दिखाई देता है, देखो 3:40 हो चुका है। बाय, तो इसलिए फटाफट निकलते हैं, एंड क्योंकि घर से बहुत दूर है अंजलि। चलो चलो, नहीं जाएगा तो चलेगा, लेकिन वीडियो शूट करना तो जरूरी है कि नहीं, थोड़ा लेट चलेगा मेरे को। एंड मौसम देखो कितना सुंदर हो रखा है, तो लेट्स गो फटाफट, वहाँ जाके आपसे बात करता हूँ। और फोन नहीं चला सकता बीच में, मैं पहुँच चुका है, लेट तो हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। देखो इतना लोग आया हुआ है ना, क्या करें। टिकट अभी लेना है क्या, वो तो बाद में ना। चलो यार लेट हो गया, जल्दी जल्दी चलते हैं फिल्म देखने, मेरा दोस्त कितने पता नहीं। एंड देखो अलग ही, हाँ हाँ बस 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 टिकट ले लिया ना, चल चल चल। देखो दोस्तों तो फिल्म लगाया मैंने, वो देखने जा रहा है, मजा आएगा। बाप रे बाप, फिर देखो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से चल, इधर से एंट्री नहीं है, किधर से छोड़ ना हम लोग। चल, लगता है मूवी अभी ख़त्म हुआ है इसलिए इतना भीड़ जमा है। कोई बात नहीं, हम टाइम पे पहुंच गया, मतलब आई एम स्मार्ट। तू ही बीसी बीसी ना, देखा सीख लिया है बंगाली। नीमी का चोले गाइस फॉरेनर जैसा एकदम। ये मेरा हेलमेट नंबर गाइस। फर्स्ट टाइम हम अंजलि में इतना भीड़ देख रहा है, मजा आएगा। हो गया, तुमको नहीं दिखा रहा था, हाइट ही नहीं पहुंचेगा उतना तक। इंटरवल गाइस, चलो चलो। इंटरवल हो गया था गाइस, क्या खाना वाना ले लिया दोस्तों को, उधर अब ज्यादा खाएगा सर दुख गया फिर आज का काम करते करते। देखो भीड़ अभी चालू नहीं हुआ है, वो अलग बात है। चलो हाँ, ये तो मेरा जगह, और इन लोग को देखो खाना मेरा जगह पे रख दिया है, हरामी लोग। देखो हरामी लोग को शुरू करके, तो मूवी खत्म। देखो लोग निकल रहे हैं और अंदर में ये, हम जल्दी निकल गए क्योंकि हमको इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। उफ ठंडा लग रहा है, अब मेरा दोस्त स्कूटी लेके आएगा तब जाएगा। देखो दिस इज अंजलि सिनेमा, मूवी खत्म हो गया रे, तामी मूवी था। एंड स्पॉइलर दे दो क्या, छोड़ो स्पॉइलर क्या देने का ना, आप खुद से फिल्म देखो मस्त, घर जाके बताता कैसा लगा फिल्म, ठीक है। गाइस तो गाइस मैं अपने घर के पास आ चुका हूँ, मेरे दोस्त ने ड्रॉप कर दिया, नाक बहना शुरू। तो चलिए मुद्दे की बात करते, फिल्म कैसा लगा। देखो सब फिल्म बोलता है, मेरे को फिल्म बोलना अच्छा लगता है, तो मेरे को फिल्म शानदार लगा। एक्चुअली ना बीच में मैं पूरा देख नहीं पाया, बीच में हमको इतना कॉल आ रहा था उफ, लेकिन हाँ मस्त। और सबसे बेस्ट सीन तो ओ माय गॉड, देखो दो बेस्ट सीन था, एक जो वो बंदूक देगा ना ट्रेलर में, वो ट्रेलर वाला सीन एकदम दामी बेहतरीन। एंड दूसरा ना जब वो बी प्राक का गाना बजता है तब वो दोनों का फाइट होता है बॉबी देओल और उसका, ट्रेलर में ये भी देखा ही है, स्पॉइलर नहीं दूंगा। हाय मैं तो फिदा हो गया रे उस टाइम ना, क्योंकि गाना बहुत सूट किया एकदम परफेक्ट, और उसका चिक 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 ओ माय गॉड। तो फिल्म बहुत अच्छा है, रेटिंग नहीं देगा मैं, क्यों देगा रेटिंग ना, मैं कोई मूवी रिव्यू क्रिटिक थोड़ी है। तो जो भी हो फिल्म बहुत अच्छा था, आप भी देखने जाओ मज़ा आ जाएगा। देखते हैं कल भैया को बोलूँगा सैम बहादुर दिखाने लेके चलने, इफ वो देखने मिला उसका व्लॉग आएगा मज़ा आएगा। एंड देखो मेरा घर का उधर का लाइटिंग, आय हाय हाय कितना सुंदर लग रहा है। छोड़ो ना ये मुद्दे की बात से भटकते नहीं हम लोग, तो जाओ मेरा तरफ से फुल रिकमेंडेशन है मूवी के लिए, मज़ा आ जाएगा क्योंकि एनिमल एकदम एनिमल जैसा आय हाय काट देता है डायरेक्ट तुम। लेकिन हाँ 18+ हो तभी जाना, 18+ से नीचे हो तो मत जाना, आपके लिए नहीं है ये फिल्म। तो मज़ेदार आय हाय हाय, मेरा घर का लाइटिंग देखो सुंदर सुंदर। तो चलिए अभी इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना। सिंपल सा ब्लॉग था, उतना खास भी नहीं था, बोरिंग था सर हमको मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले बेहतरीन ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखना, बाय बाय।